तो पहले हम एक रिकैप्चुलेशन देख लें। पहले हमने क्या पढ़ा, स्पेक्ट्रम। फिर हमने पढ़ा दो टाइप से स्पेक्ट्रम होते हैं, कौन कौन से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। फिर हमने देखा इमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फिर मैंने देखा कि जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये भी दो टाइप की होती है, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। एक बार फिर से मैं आपको पूरा रिकॉल करा दूं, तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक ऐसा फोटोग्राफिक प्लेट जिसपे कि आपको सारे कलर्स देखने को मिल जाती है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये दो टाइप के होंगे, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं, जो लाइट आती है उस लाइट को एक एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन या सब्सटेंस से पास कराते हैं, जो कि किसी फिक्स्ड वेवलेंथ वाली रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जब हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ पे वो कलर्स जो कि पहले एब्जॉर्ब की जा चुकी थी वो क्या हो जाती हैं, डिसअपियर, और मुझे वहाँ पे क्या मिलती है, डार्क लाइंस। अगर हम उसके अपीयरेंस की बात करें तो इट अपियर्स एज डार्क लाइंस इन बैकग्राउंड कलरफुल, जिसका लाइंस तो डार्क रहेंगी लेकिन बैकग्राउंड कैसा रहता है, कलरफुल। वहीं पर अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इमिशन स्पेक्ट्रम के अपेयरेंस की अगर आप बात करें तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो लाइंस मिलेंगी वो तो कलरफुल होंगी लेकिन जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, डार्क। इसीलिए हम इमिशन और एब्जॉर्प्शन के एक दूसरे का फोटो नेगेटिव भी कहते हैं। फिर मैंने देखा कि ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है दैट इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस एंड द सेकेंड वन इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम होते हैं जिसमें कि दो कलर्स के बीच आप गैप नहीं बता सकते, यानी कि एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। जबकि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम होते हैं जिसमें कि आप प्रॉपर गैप बता सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं दे आर अगेन डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम्स आर फॉर्म्ड बाई मॉलिक्यूल्स वेयर एज लाइन स्पेक्ट्रम्स आर फॉर्म्ड बाई एटम्स। चले इतनी सारी बातें हो गई, नेक्स्ट पेज डिस्कस करते हैं। अब हमारे टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल है समझना बट आसान है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, ये देखिए मेरा ग्राउंड स्टेट है, एन इज इक्वल टू वन हमेशा हमारा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। आप बताइए इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, यही एन इजक्वल टू वन या एन इजक्वल टू टू? हाँ एन इजक्वल टू टू, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट हमेशा जो ग्राउंड स्टेट होता है उससे प्लस वन के बराबर होता है, यानी कि अगर आपके ग्राउंड स्टेट की वैल्यू वन है तो एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू वन प्लस वन यानी कि टू होगी। यहाँ से जंप करेगा यहाँ पहुँचेगा तो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह वो बढ़ता हुआ इन्फिनिटी तक जाता है। अब मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है ये कहीं से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और इस सेल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से जंप करेगा, और मान लीजिए यहाँ से जंप करके कहाँ पहुँच गया, सिक्स्थ सेल में, यानी कि फिफ्थ एक्साइटेड कहिए या सिक्स्थ सेल में। तो आप बताइए यहाँ से जो आपने एनर्जी दिया एक्साइटेशन एनर्जी, तो उसी एक्साइटेशन एनर्जी की वजह से ये कहाँ पहुँच गया, सिक्स्थ सेल में। भेज तो आपने दिया, ये आप डिसाइड करते कि इसको हमें यहाँ से कहाँ भेजना है, लेकिन आने के लिए अब वो अपने मर्जी से आएगा, वो चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट जंप करके फिर यहाँ पे आ जाए। क्योंकि ये बात आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद हायर सेल में जाता है, और हायर सेल में कितनी देर के लिए रुकता है, सिर्फ 10^-8 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद फिर वो उसको लौट के वापस ही आना है, ऐसा नहीं वही घर बना के रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो लौट के वापस आएगा। तो लौटने के लिए जो उसके पास ऑप्शन है ना, वो अपने मन से आता है, वो चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाए तो उसकी वेवलेंथ अलग होगी, या फिर हो सकता है वो डायरेक्ट जंप करे पहले यहाँ पे रुक जाए फिर यहाँ से यहाँ आए, या हो सकता है यहाँ से जंप करके यहाँ आए फिर यहाँ जाए। यानी कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ सेल में है वो फर्स्ट सेल पे कैसे आएगा ये उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए हो सकता है यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ से फिर यहाँ आए, ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई गई है कि ऐसे कितने पॉसिबल चांसेस है कि वो लौट सकता है ऐसे करके। बात समझ में आ गई आपको? कुल मिलाकर के आपको ये जो दिखाई जा रही है वो डायग्राम बस इतनी सी बात कह रही है आपको कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो ये तो आप डिसाइड करेंगे कि वो एक्साइटेड कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, लेकिन
वो उस एक्साइटेड स्टेट से जब 10^-8 के बाद लौटना स्टार्ट करता है तो वो आप डिसाइड नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी के हिसाब से आता रहता है। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आता है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज, आपको दो कंपेयर केस कर बना रहे हैं, एक केस यहाँ से यहाँ आ रहा है, एक केस यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, दोनों केस में बताइए एनर्जी एक ही अमाउंट की रिलीज होगी कि अलग अलग? अलग अलग। यहाँ से यहाँ आने के लिए कम एनर्जी रिलीज करना होगा, जबकि यहाँ से यहाँ आने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिलीज करना होगा। अगर एनर्जी बदल जाएगी तो क्या लैम्डा की वैल्यू भी बदल जाएगी? तो बिल्कुल सही बात है, वेवलेंथ बदल जाती है। वेवलेंथ क्या होती है? बदल जाती है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं वेवलेंथ बदल दूँ तो क्या कलर्स भी बदल जाएंगी? तो बिल्कुल है, सही बात। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब लौटता है किसी एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट पर लौटता है तो वो अलग अलग कलर्स की लाइंस को जनरेट करता है, लाइट जनरेट करता है जो कि अलग अलग कलर्स की होती हैं। अब अगर वो विजुअल रेंज में है तो हमें दिखाई पड़ सकती हैं, अगर वो विजुअल रेंज में नहीं है तो फिर हमें वो दिखाई नहीं पड़ेंगी। लेकिन यही होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होके हायर में जाता है, एक्साइटेड होके हायर स्टेट में जाता है तो वहाँ से जब लौटता है तो अलग अलग कलर्स की क्या करती हैं? लाइंस जनरेट करती हैं, और उन लाइंस को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं हम उसको? स्पेक्ट्रल लाइंस। अब ये कितनी हो सकती हैं और कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, ये हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहाँ डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। फिलहाल अभी तो हम वहाँ नहीं जा रहे, अभी तक जो हमने सीखा वो ये चीज़ है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है वो हायर सेल में जाता है, फिर वहाँ से लौटने के लिए वो कोई भी रास्ता चूज करेगा। अगर वो रास्ता अलग अलग लेके आएगा तो अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस जनरेट होंगी, और अलग अलग वेवलेंथ की वजह से अलग अलग लाइट भी जनरेट होंगी जिनकी कलर अलग अलग होती हैं। कई बार ये विजिबल होंगी, कई बार ये विजिबल नहीं होंगी। विजिबल नहीं होंगी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर लाइट जनरेट नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा, वो बस विजिबल रीजन के बाहर है, यानी कि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। देखिए इसका ये थ्योरी पार्ट वर्किंग लिखा गया है, द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम व्हेन गेट एक्साइटेड टू अ हायर लेवल। जब किसी भी हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इट स्टेज देयर फॉर अबाउट 10^-8 seconds। तो वहाँ पे उस एक्साइटेड स्टेट में वो लगभग सिर्फ 10^-8 seconds यानी बिल्कुल कम समय तक टिकता है, एंड फेल्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट में लौटने लगता है। लौटेगा एक बार में या दो बार में या कितनी बार में ये वो डिसाइड करेगा, हम नहीं। ड्यूरिंग विच इट इमिट्स रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जब वो लौटता है तो एनर्जी रिलीज होगी, होंगी ना, और वो एनर्जी क्या करेंगे? फिर अलग अलग वेवलेंथ को शो करेंगी। तो क्या होता है, वो अलग अलग रेडिएशंस फिर जनरेट करता है जिसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, और इसी वजह से उसकी कलर भी अलग अलग होती है, विच आर एब्जॉर्ब्ड एज कलर्ड लाइन्स इन स्पेक्ट्रम, जो कि हमें स्पेक्ट्रम में कलरफुल लाइन्स की तरह देखने को मिलती हैं अगर विजिबल रेंज में है तो। और इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन्स कहते हैं। अब ये आपकी लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, हाँ अगर हम कंफ्यूजिंग कह रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ जाना होगा कि यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। ये लग रहा पूरा पार्ट विजिबल भी नहीं हो पाएगा। एक मिनट, मैं थोड़ी सी कैमरा सेटिंग चेंज कर दूँ, ये पार्ट पूरा विजिबल नहीं है, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ना। हाँ अब लगभग आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम सच में बहुत आसान है। हाँ अगर हकीकत मानी जाए तो ये डायग्राम बहुत ही आसान है। हाँ ये बात और है कि देख के हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें क्या दिखाई गई है ये ध्यान समझ लीजिए, पहले तो नंबर ऑफ सेल्स दिखाई गई है। ये हमारा फर्स्ट सेल n इक्वल टू 1, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। फिर ये हमारा n इक्वल टू 2, जिसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये हमारा n इक्वल टू 3, इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट।
ये n इज इक्वल टू 4 यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये n इज इक्वल टू 5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, सिक्स सेवन्थ एट्थ, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। एक बात अब मान लीजिए मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इन्फिनिटी पे चला गया, तो आने के उसे क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, वो डायरेक्ट इन्फिनिटी से वन आ सकता है। हाँ आप कहेंगे सर आएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, आने के चांसेस हैं कि हो सकता है वो एक बार में ग्राउंड स्टेट में आ जाए, या हो सकता है वो पहले फोर पे आके रुक जाए फिर फोर से वन आए, या ये भी हो सकता है पहले फोर पे आके रुक गया वो फोर से थ्री जाए फिर थ्री से वन जाए, या फोर से टू जाए टू से वन जाए। तो उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं आने के, तो जो आने के ऑप्शंस होंगी उनके बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे, कुछ चीज़ें आपको सीखनी है यहाँ पे, याद भी रखेंगे आप। देखिए अगर कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइन किसी भी पर्टिकुलर सेल से अगर वो ग्राउंड स्टेट पे आती हैं, ध्यान सुनिएगा, कोई भी लाइन जो कि आपको डायरेक्ट किसी भी पर्टिकुलर सेल से फर्स्ट यानी कि ग्राउंड स्टेट तक लेके आती हैं, तो इनका जो कलेक्शन बनेगा उनको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस। हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस। ये देखिए ये है n इक्वल टू 1 पे आने वाली सारी लाइंस का ग्रुप, और इनको हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। अभी आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ी थोड़ी, नहीं आ रहा अभी कोई बात नहीं और आएगा। मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी लाइन डायरेक्ट सेकेंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से या इन्फिनिटी से कहीं से भी अगर वो डायरेक्ट फर्स्ट पे ही आ रहा है, तो उन ग्रुप्स ऑफ सीरीज को हम क्या कहते हैं, लाइमन ग्रुप या लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस कहते हैं। एक बात, दूसरी बात, अब यही चीज़ अगर वो डायरेक्ट सिर्फ सेकेंड सेल पे आए, तो हाँ ये भी हो सकता है कि अगर वो फर्स्ट सेल पे ना आके डायरेक्ट सिर्फ सेकेंड सेल पे आए, जैसे फोर्थ से सेकेंड आए, सेवन से सेकेंड आए, या इन्फिनिटी से सेकेंड आए, तो ऐसे जो ग्रुप बनेंगे उनको हम बोलते हैं बामर सीरीज। हाँ अगर वो थर्ड पे आए तो वेरी गुड पाश्चन सीरीज, फोर्थ पे आए तो ब्रैकेट, फिफ्थ आए तो फंड, और सिक्स्थ पे आए तो हम्फ्री, ऐसे ही लगातार चलता रहता है। हमारे सिलेबस में मेरे हिसाब से लाइमन बामर पाश्चन और ब्रैकेट है, ठीक है। हम फंड और हम्फ्री थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लिए, बस उससे ज़्यादा हमें जाना नहीं है, ऐसे तो बहुत सारा अनलिमिटेड हो गया, पूरा रटने की ज़रूरत हमें नहीं है। एक चीज़ ये समझ में आया आपको, एक बार फिर से मैंने क्या कहा कि अगर हम मैं एक ग्रुप ऑफ लाइंस बनाऊं जो कि किसी भी पर्टिकुलर सेल से डायरेक्ट फर्स्ट सेल पे आती हैं एन इज इक्वल टू 1 पे, तो हम उनको क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। जबकि अगर हम वहीं अगर वो सेकेंड पे आने वालों के ग्रुप बनाएं तो बामर, थर्ड पे आने वालों के बनाएं तो पाश्चन, फोर्थ पे आने वालों की बनाएं तो ब्रैकेट, फिफ्थ पे आने वालों की बनाएं तो फंड, एंड सिक्स्थ पे आने वालों की बनाएं तो हम्फ्री। एक चीज दूसरी, अब अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मुझे और भी कुछ चीज़ें दिखानी है। अब उसके लिए मैं इस साइज़ को फिर से बड़ा कर लूँ, क्योंकि ये ऐसे ही आप लोगों को देखना बड़ी मुश्किल हो गया होगा। अब मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ लाइमन सीरीज की। अब जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग जगह से आने वाली लाइन्स हैं, अलग अलग जगह से मतलब अलग अलग एनर्जी सेल से, इतना तो विजुअल होगा ही। अब देखिए, अब जो लाइंस आ रही है ना इनको अलग अलग नाम दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो देखिए ये जहाँ से चल रहा है उसको हम बोलते हैं N2, और जहाँ आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं N1। एक बात, अब मान लीजिए अगर हम इस लाइन की बात करें तो उसके लिए N2 की वैल्यू 2 है और N1 की वैल्यू 1। आपको एक चीज़ याद रखना है, जो लाइमन सीरीज की लाइंस होंगी उनके लिए हमेशा N1 की वैल्यू, हमेशा N1 की वैल्यू फिक्स रहेगी, और कितनी रहेगी, 1, क्योंकि लाइमन क्या होती है, ग्राउंड स्टेट। इसी तरह बामर के लिए N1 की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 2, पाश्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5, हम्फ्री के लिए 6। एक चीज़ दूसरी, अब ये जो लाइंस आ रही हैं इन लाइंस को भी अलग अलग नाम दिया जाता है कई बार, हाँ जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे करके नाम दिए जाते हैं। तो अब देखिए अगर आप लाइमन के लिए बात करें तो लाइमन यहाँ पे आने वाली सारी लाइंस हैं, यहाँ के ठीक ऊपर वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं अल्फा लाइन। जैसे देखिए ये यहाँ से लाइन आ रही है, तो इस लाइन को, क्योंकि ये N1 है ये N2 है, इनके बीच का गैप सिर्फ एक सेल का है, तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं अल्फा लाइन।
वहीं पे अगर ये गैप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दे तो बीटा लाइन, थोड़ा और कर दे तो गामा लाइन, थोड़ा और कर दे तो डेल्टा लाइन। एक चीज ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, सबके लिए डिसाइड करते हैं। अब मैं अगर ब्रैकेट के लिए बात करूं, ध्यान से देखिएगा, आसान है ये, अब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अब देखिए ये बामर सीरीज है, यानी कि एक चीज फिक्स है कि सारी लाइंस कहाँ आ रही होंगी, n इज इक्वल टू टू पर। कहाँ से आ रही है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि आने वाली लाइन थर्ड से आ सकती है, फोर्थ से आ सकती है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन और कैसे करके इन्फिनिटी से आ सकती है। एक बात बताइए, क्या ये लाइन वन सॉरी टू से टू पे भी आएगी क्या? नहीं, टू पे तो पहले ही रहेगी, तो फिर आने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि टू पे आने वाली जितने भी लाइन्स होंगी कौन से स्टार्ट होंगी, थ्री से, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो जो पहली लाइन आ सकती है वो थ्री से आएगी, तो उस लाइन को हम फिर से बोलेंगे अल्फा लाइन। ये जो अल्फा लाइन थी, दैट वॉज द अल्फा लाइन ऑफ लाइन वन सीरीज। यहाँ जो अल्फा लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज। इसी तरह से ये जो सेकेंड लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, बीटा लाइन, फिर थर्ड वाले को गामा, उसके अगले वाले को डेल्टा। लेकिन किसके लिए, बामर के लिए। अब मैं आपसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा हूँ जो मैंने अभी बताया उसी के बेस पे, आपको खुद से एक बार चेक करने आना चाहिए। मैं पास्टन के लिए डिस्कस करता हूँ, अब देखिए अगर मैं पास्टन के लिए बात करूँ, पास्टन सीरीज के लिए, तो ये एक चीज़ पे फिक्स है कि जो भी लाइन्स आएंगी वो कहाँ आएंगी, एन इज इक्वल टू थ्री पर। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, पास्टन सीरीज मैंने कह दिया, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि कहाँ पे सारी लाइन्स आ रही हैं, दैट इज एन इज इक्वल टू थ्री पर। ठीक, चलिए अब कहाँ से आ रही हैं ये तो मेरे पास मुद्दा है। अब देखिए थ्री पे कहाँ कहाँ से लाइन आ सकती हैं, वेरी गुड, फोर से, फाइव से, सिक्स से, सेवन, एट, नाइन, टेन, ऐसे बहुत सारी। पहली लाइन फोर से आ सकती है, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, अल्फा लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। उसमें हम क्या कहेंगे, अल्फा लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। दूसरी लाइन कहाँ से आ सकती है, फिफ्थ से, उसमें हम क्या कहेंगे, बीटा लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। तीसरी सिक्स से, उसको गामा लाइन ऑफ पास्टन सीरीज कहेंगे। इसी तरह अब मैं अगर ब्रैकेट के लिए बात करूं, तो जब भी मैं ब्रैकेट कहूंगा, ब्रैकेट सीरीज, आपके मन में तुरंत क्लिक करेगा यहाँ पे जो लाइन्स आएंगी सब कहाँ पे आ रही होंगी, एन इजक्वल टू फोर पे। कहाँ से आ रही होंगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहाँ आ रही होंगी ये तुरंत क्लियर हो जाएगा इस सीरीज का नाम लेते ही। जैसे मैंने कहा लाइन वन तो वन, बामर यानी टू, पास्टन यानी थ्री, उसी तरह ब्रैकेट यानी फोर। एक तो ये तय हो गया। अब फोर पे कहाँ कहाँ से लाइन आ सकती है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन से। फाइव से आने वाली लाइन, वेरी गुड, अल्फा। सिक्स से आने वाली, बीटा। सेवन से आने वाली, गामा। इसी तरह बढ़ता जाएगा। उसी तरह आप फंड के लिए, उसी लिए आप हम्फ्री के लिए भी कर सकते हैं। समझ में आया मेरी बात, कर सकते हैं। चलिए अगर अभी भी कन्फ्यूजन है थोड़ी बहुत, तो आप इसको टाइम देंगे, ठीक है, इस चीज़ को वापस से थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से सुनेंगे इस लेक्चर को, तो आसान है, क्लियर हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और आसान तो हो ही जाना है। अब हम यहाँ पर रिडबर्ग रिलेशन पढ़ेंगे। रिडबर्ग वाज ऑल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने अलग अलग लाइन्स के लिए एक रिलेशन हमें दिया, कहा कि आप उनकी हेल्प से वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर क्या होता है, ये वेव्स जनरेट हो जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। देखिए अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, तो ये फॉर्मूला था वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट वन अपन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपन एन टू स्क्वायर। ठीक है, जहां पर अगर हम आर की बात करें तो आर क्या होगा, हाँ गेस करिए, रिडबर्ग कांस्टेंट होगा, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम रिडबर्ग था, तो इन्होंने अपना जो कांस्टेंट दिया उसका नाम भी है रिडबर्ग कांस्टेंट। जेड क्या है, ये तो आपको पहले से पता है, एटॉमिक नंबर। एन वन नंबर ऑफ सेल, एन टू नंबर ऑफ सेल। अब एक चीज और, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूं, वेव नंबर का यूनिट क्या होता है, मीटर इनवर्स। और हमने देखा था कि वेव नंबर हम कैसे निकालते थे, वेरी गुड, इट इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, यानी कि वन अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। तो मैं वेव नंबर के जगह पे वन अपॉन लैम्डा भी लिख सकता हूँ, और यहाँ से भी फॉर्मूला में बना सकता हूँ, वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ये सारी वैल्यू आर एच एस वाली सेम है, ध्यान से देखिए, एल एच एस वाली अलग अलग है, ऐसा आपको देखने में लग रहा है, एक्चुअली ये भी अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे आप वेव नंबर लिखिए या इसके जगह पे वन अपॉन लैम्डा लिखिए, बात तो एक ही होती है,
वन अपॉन लैम्डा को ही वेव नंबर कहते हैं या वेव नंबर को ही वन अपॉन लैम्डा कहते हैं। तो हम चाहे ये लिखे या ये लिखे, बात बिल्कुल सेम रहेगी। कर सकते हैं, चल घबराए बिल्कुल नहीं। अगर आपसे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप याद रखेंगे 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट का ध्यान रखना होगा, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, यानी कि मुझे जब भी सॉल्व करना होगा यूनिट्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी थी 109677, या फिर अगर हम लगभग मान के चलो तो ये वैल्यू 10^5 के इक्वल होगी। कितना होगी, 10^5। कैसे होगी आप देख लीजिए, 109677 को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूँगा, 1.09677 इंटू, अब देखिए डेसिमल ऊपर वाली लाइन में कहाँ रहा होगा, एकदम लास्ट में यहाँ पर। यहाँ से डेसिमल को यहाँ तक लेके आने के लिए कितने स्टेप चले होंगे, 1, 2, 3, 4 and 5, यानी कि पावर कितना होगा, 10^5। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1.0967 को मैं क्या 1 के आसपास लिख सकता हूँ, हाँ लगभग 1 के आसपास लिख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है। मैंने कहा ना ये लगभग 10^5 इक्वल होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। तो जब भी अगर आपको लगभग चाहिए तो 10^5 आप कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे, या फिर अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 109677। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, ये यूनिट किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में हमेशा आता है कि यूनिट या तो मीटर हो गए, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर अलग है, दिस इज इन सेंटीमीटर। आइए अब मैं इन चीज़ों को आपको लिखा दूँ कि ये चीज़ें हैं क्या एक्चुअली में। गुड, देखिए ये जो लैम्डा होता है आपको पता है इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये जो वेव नंबर है, ये वेव नंबर है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये बार का सिंबल लगा है। अगर ये सिंबल हट जाता, सिर्फ न्यू रहता, तो हम क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। N1 क्या है, लोअर एनर्जी सेल। N1 क्या है, लोअर एनर्जी सेल, या फिर जिस सेल पे फिक्स है कि लाइन आ रही होगी वो होगी N1। N2 क्या है, हायर एनर्जी सेल, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। R क्या है, हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 109677, या फिर लगभग में आप उसको 10^5 सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कर सकते हैं, आसान है। चलिए ध्यान रहे, ये वैल्यू लगभग में है, कितना, 10^5 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं अगर आपसे कुछ पूछूं, तो देखिए आप ट्राई करिएगा, अगर मैं कह दूं कि बीटा लाइन, मैं क्या कह दूं, बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के बारे में आप बताइए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको N1 और N2 की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि सर क्योंकि ये लाइमन सीरीज नाम दिया है, इसका मतलब N1 ये पहले ही फिक्स कर दिया। लाइमन कहाँ होती, एकदम नीचे, यानी कि N1 की वैल्यू 1 हो गई। अब क्योंकि ये बीटा कह दिया, यानी कि ये बता रहा है कि N2 के बारे में भी, N2 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर ये 1 है यानी कि इस पर 2, 3, 4, 5, 6 आ सकती हैं, तो पहली लाइन 2 से आएगी जिसको हम क्या कहेंगे, अल्फा। दूसरी लाइन, गुड, कहाँ से आएगी, 3 से, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा, यानी कि बीटा लाइन कौन सी होगी, N2 = 3। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको ये दे देगा, बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, डेल्टा लाइन ऑफ बामर सीरीज, आपको N1 N2 निकालने आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब मान लीजिए मैं आपको दे दूं डेल्टा लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। तो बताइए, जैसे ही आपको पाश्चन मिला, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि N1 की वैल्यू क्या होनी है, हाँ 3 होनी है। कैसे, क्योंकि देखिए लाइमन के लिए N1 1, फिर बामर यानी 2, फिर पाश्चन के लिए हमेशा N1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। N2 में झंझट होते हैं, N2 तो अगर N1 3 है तो इसमें 3 पे आने वाली लाइन कहाँ से हो सकती है, 4 से हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकती है। पहली लाइन 4 से आ सकती है, तो 4 वाली लाइन को अल्फा कहेंगे, 5 से आ सकती है जिसको हम बीटा कहेंगे, 6 से आ सकती है जिसको हम गामा कहेंगे, 7 से आ सकती है जिसको हम डेल्टा कहेंगे। ये देखिए डेल्टा ही कहा था ना, यानी कि N2 की वैल्यू क्या हो गई, 7।
बात समझ में आ गई होगी। चलिए अभी और आप जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो वहाँ पे भी इसका यूज होगा, और वहाँ अगर आपने अभी नहीं सीखा है तो वहाँ और सीख लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान है, ये क्लियर होना चाहिए। इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में आपको देंगे ताकि आपको रिविज़न करना या इनको याद रखना आसान हो सके। अच्छा देखिए, अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें, पूरा पार्ट छोटा करना होगा। चलिए आप ध्यान से देखिए क्या है सीरीज ऑफ लाइंस, लाइमन बाबर पाशन प्रैकेट फंड एंड हम्फ्री। एक बार फिर से देखिए, पहला लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पाशन, चौथा ब्रैकेट, पांचवा फंड और छठवा हम्फ्री। अब मैं N1 की अगर बात करने चलूँ आपसे तो बताइए, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पाशन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5 एंड हम्फ्री के लिए 6। ये तो N1 की वैल्यू एकदम फिक्स है। अब हम N2 की वैल्यू बात करें, फर्स्ट पे आने वाली लाइन कहाँ से हो सकती है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, कहाँ तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक। यानी कि यहाँ से कहीं कोई भी लाइन आ सकती है। आएगी कहाँ, ये तो फिक्स है कि 1 पे, लेकिन आ कहाँ से सकती है वो फिक्स नहीं है। इसी तरह अगर हम बामर के लिए बात करें तो N1 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 पे आने वाली लाइन कहाँ से आ सकती है, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर हम वहीं पर पाशन सीरीज की बात करें तो पाशन 3 है, तो यहाँ पर लाइन कहाँ से आ सकती हैं, 4, 5, 6, 7 से लेकिन इन्फिनिटी से कहीं तक आ सकती हैं। अगर मैं ब्रैकेट की बात करूँ 4, तो 5, 6, 7, 8। इसी तरह आप फंड की बात करेंगे तो 6, 7, 8 और हम्फ्री की बात करेंगे तो 7, 8, 9, 10 करके इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं इसके लिए अल्फ़ा की लाइन बात करूँ तो इसमें सबसे पहली लाइन जो आ सकती है वो कौन सी है, ये 2 वाली, तो ये हो गई अल्फ़ा। इसके बाद वाली लाइन, वेरी गुड, बीटा। इसके बाद वाली गामा, और ये हो गई हमारी डेल्टा। इसी तरह आप यहाँ देखें, ये 3 क्या हो गई, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान है, समझ में आ रहा है मेरी बात अब? हाँ, चलिए आगे देखिए। ये जो लाइन्स आपको मिलती हैं कहाँ पर, लाइमन सीरीज में, वो लाइन्स क्या होती हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती हैं, यानी कि हम उनको देख नहीं सकते, ये हमारे विजुअल रेंज कैपेसिटी से बाहर है। दूसरा, ये जो बामर सीरीज की लाइन्स हैं, ये सभी लाइन्स क्या होती हैं, विजिबल होती हैं। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप कर गया, अगर डायरेक्ट सेकेंड सेल पर आता है, तो वहाँ से जो रेडिएशन जनरेट होंगी उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे विजुअल रेंज के अंदर आती है, यानी कि हम वहाँ पे जनरेट होने वाली कलर स्पॉट या ग्लो को फील कर सकते हैं, बाकी किसी केस में नहीं कर सकते, क्योंकि पहला अल्ट्रा वायलेट था विजुअल रेंज से बाहर, दूसरा विजुअल है इसमें सब दिखाई देगा। इसके बाद हमें क्या मिलता है, इन्फ्रारेड, नियर इन्फ्रारेड, यानी कि वो भी विजुअल रेंज से बाहर, फिर इन्फ्रारेड, फिर फार इन्फ्रारेड, और फिर वेरी फार इन्फ्रारेड। तो कई बार आपसे वो नाम देके लाइमन बामर पाशन ने किसी सीरीज का नाम दे देगा और कह देगा, बताइए ये किस रेंज से बिलोंग करता है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे कह दे पाशन सीरीज के लिए, बताइए यहाँ से जो लाइट जनरेट होगी उसे हम देख पाएंगे कि नहीं, तो आपको साफ सुथरा जवाब होगा कि नहीं। अगर रीजन पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लाइन्स जनरेट होती हैं उनकी जो वेवलेंथ है डैट फॉल्स इन द इंफ्रारेड रीजन, जो कि हमारे विजुअल कैपेसिटी के बाहर होती हैं। सही है, कर सकते हैं? तो चलिए, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है थ्योरेटिकली, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। हाँ, अब हम आपको एक तरीका बता दें, क्योंकि हो सकता है आप ये भूल जाए कि ये लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट कैसे हैं, अगर लाइन्स आप याद नहीं करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसे ज़रूरत तो है नहीं, ऐसे याद हो जाएंगे, 6 हैं, बट फिर भी अगर किसी को बार बार पढ़ने पे भी डाउट हो जाता है तो वो इसका यूज कर सकता है। क्या ये देखिए, ललुआ के बापू का BP हाई। हाँ, ललुआ कौन है, वो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, हाँ जैसे आप लोग हैं, आपका नाम ललुआ नहीं है मुझे पता है। कोई बात नहीं, देखिए ललुआ के बापू का BP हाई, तो ललुआ मतलब L, लाइमन, फिर के इग्नोर करेंगे, बापू में दो वर्ड मिलेंगे मुझे, बी और पी, तो बी क्या मुझे कहेगा, बामर सीरीज, पी क्या मुझे बताता है, पाशन सीरीज। फिर आप का को इग्नोर करेंगे, बीपी हाई, बीपी में बी,
फिर से बी आ गया ना, ये हो गया हमारा ब्रैकेट, ये हो गया पी यानी फंड, और हाई में एच जो कि हम्फ्री है। एक बार फिर से देखिए, ललुआ के बापू का बीपी हाई, ललुआ यानी लाइमन, ठीक है, के को इग्नोर करेंगे बापू यानी कि बामर और पाश्चन, का को फिर इग्नोर करेंगे, बीपी फिर से आ गया, तो एक है ब्रैकेट, दूसरा है फंड, और हाई, हाई में एच को लेंगे जो कि हमें क्या बताता है, हम्फ्री। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। अगर नहीं याद होता है, कन्फ्यूज होते हैं, तो आप इसको यूज करें, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। ये उनके लिए है जो बार बार कोशिशों के बावजूद वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब आ गया हमारा क्वेश्चन टाइम, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन हम करेंगे फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे, यही रूल है ना। हाँ चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। इन द वर्ड ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन जनरेट होती है, स्पेक्ट्रम जनरेट होता है जबकि हीलियम में, हीलियम आयन से कोई एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से जंप करता है कहाँ पर, n इक्वल टू 2 पर। क्या कह रहा है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल, हीलियम आयन के फोर्थ सेल से जंप करता है कहाँ, सेकेंड सेल पे, तो वहाँ जो स्पेक्ट्रम बनती है यानी जो n1 n2 की वैल्यू आएगी, उसी की हेल्प से आप मुझे ये बताएं कि अगर हाइड्रोजन के केस में हम बात करें तो मुझे उतना ही ट्रांजिशन के लिए उनकी n1 और n2 की वैल्यू क्या रखनी होगी। हाँ मुझे पता है अभी थोड़ी सी डाउट हो रही है आपको, घबराए नहीं, जैसे हम ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार टाइम देख लूँ ना, ओ नो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या करूँगा ना, आपको लिख के नहीं बताऊँगा, जो लिखा हुआ है मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए मुझे n1 n2 निकालना है, हीलियम आयन के लिए मुझे दिया है n1 कितना दिया है 2, ठीक है, और n2 क्या दिया है मुझे 4। मैं क्या यहाँ से वेव नंबर कैलकुलेट कर सकता हूँ या लैम्डा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ 1/λ लिख के। फिलहाल मैं फॉर्मूला लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, वेव नंबर इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2² लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना। तो चलिए R को R ही रहने दें, एक चीज ध्यान रखें R की वैल्यू एकदम लास्ट लाइन में जब लगे कि नहीं अब मुझे आंसर लिखना है तो आप रखें, क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है, ये R कैंसिल हो जाता है, तो हमें R की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती है तो लास्ट लाइन में रखें, कैलकुलेशन से बचेंगे आप। फिर जेड, हीलियम आयन के लिए जेड की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/N1 का स्क्वायर, N1 कितना मेरा 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2, N2 कितना मेरा 4, जहाँ से आ रहा है यानी कि 4 का स्क्वायर, इतना तो लिख ही सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए ये 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4, 4 इंटू आर 4R अपॉन 1/2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करने के चक्कर में ना पड़े, आप R को बाहर रहने दें और बाकी उसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट है उसको अंदर भेज दिया करें। आप हमेशा ध्यान रखें कैलकुलेशन अगर आसान रखना है तो छोटी छोटी टूल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। हम क्या करेंगे, R को बाहर रखेंगे क्योंकि जब मैं इसको कंपेरिजन करूँगा हाइड्रोजन के लिए तो वहाँ भी मुझे R मिलेगा, मिलेगा ना उसके फॉर्मूले में भी, इसलिए मैं R को वैसे रखूँगा, बाकी जो नंबर है उसको मैं अंदर भेज दूँ। तो देखिए अगर ये नंबर अंदर जाएगा तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा और यही नंबर यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब आपके सवाल मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों होगा, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है यानी जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा 4/16, 4 × 4 एंड 4 × 4, तो ये हो गया 4/4, ये हो गया 4/16, इतना कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, या 1 को भी मैं क्या लिख लूँ 1/1, आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा 1/1, ये देखिए कैंसिल होगा कितना 4 × 4 4 × 4 16 1/4 टाइम्स में, यानी कि मुझे ओवरऑल जो मिल गया वो क्या मिला है मुझे इज इक्वल टू आर 1/1 को मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ 1/1 का स्क्वायर, या पहले 1/1 ही लिख लीजिए माइनस 1/4। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ आप भी सॉल्व करने के लिए परेशान ना हो,
क्योंकि मैं कंपेरिजन करूँगा। अभी देखिएगा, मैं वन अपॉन इस वन को क्या मैं वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। फिलहाल बताइए मैं लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ ना, माइनस वन अपॉन ये जो फोर है, फोर को अगर स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो किसका स्क्वायर होता है? गुड, टू का स्क्वायर होता है। ये बात बताइए सही है या नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है ना। चलिए अगर लिखा जा सकता है तो बताइए, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए वेव नंबर कैलकुलेट करूं तो बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर जेड स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही होता है। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? वन, यानी कि वन का स्क्वायर वन ही आता है, अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ओहो। चलिए अगले ही पेज पे कर लेते हैं। और हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू वन, मैं अगर वहाँ से वेव नंबर के लिए फॉर्मूला लिखूँ तो अगेन फॉर्मूला तो वही होता है, आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं लिखूँ आर, तो आर को वैसे ही रखूँगा, फिर जेड की जगह पे मैं लिखूँगा वन का स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर। मुझे ये तो वैल्यू निकालनी है, मुझे कुछ पता नहीं है, यह है एन टू का स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए वन का स्क्वायर कितना होगा? वन, वन इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है? वेव नंबर की। मान लीजिए मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर टू, वहीं पे इसकी बात कर लो तो ये वैल्यू किसकी निकाले हैं हम लोग? वेव नंबर की। और मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर वन। अब मैं अगर इक्वेशन नंबर वन और टू को ध्यान से देखूं तो देखिए आर आर तो सेम है, ये वन वन भी सेम है, यहाँ पर एन वन के जगह पे कुछ और है और एन टू के जगह पे कुछ और है, इसलिए मैं दोनों के एक साथ ही लिख लेता हूँ। बताइए इक्वेशन नंबर वन से मुझे क्या मिला? वेव नंबर इज इक्वल टू आर वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर। अगर वही मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ मुझे मिला वेव नंबर आर इज इक्वल टू वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। क्योंकि इक्वेशन नंबर वन और टू दोनों ही वैल्यू किसकी है? वेव नंबर की, यानी कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे की इक्वल होंगी। तब मुझे यहाँ से कंपेयर करके बताएं, आप क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, आर आर सेम है, वन सेम है, स्क्वायर स्क्वायर सेम है। ये बताइए जहाँ एन वन है यहाँ पे एन वन की जगह पे क्या लिखा गया? वन, यानी कि आप क्या कह सकते हैं? एन वन की वैल्यू क्या आ गई? वन। इसी तरह से आप यहाँ देखिए वन वन सेम, स्क्वायर स्क्वायर सेम, एन टू की जगह पे क्या है यहाँ पर? टू। तो एन टू की क्या मिल गई? टू। बस हो गया आपका आंसर सॉल्व, यही आपको आंसर में निकालना था एन वन और एन टू की। यानी कि वो ये कह रहा था कि जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे हीलियम आयन के फोर्थ सेल से सेकेंड सेल में जंप करने पे, वही चीज़ आपको हाइड्रोजन एटम में किस सेल्स के लिए मिल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि एन वन वन और एन टू टू के लिए मिल सकते हैं। यानी कि जब वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल पे जाएगा तो वही इफेक्ट मुझे देखने को मिलेगा। कर सकते हैं, करना कुछ नहीं था, आपको रिडबर्ग रिलेशन यूज करना था, पहले इक्वेशन बनाना है। ध्यान रहे इक्वेशन को कम्प्लीटली ना सॉल्व करें, क्योंकि कंपैरिजन में मुझे आर चाहिए होता है, तो आप आर को बचा के रखें, बाकी जो नंबर हैं उनको सॉल्व कर दें लेकिन आर बचा के रखें। फिर जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करने के परेशान ना हो, आप इनको वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर के ही फॉर्म में रखें, फिर दूसरा रिलेशन बनाएं और वहाँ से इनको कंपेरिजन करके आंसर बता सकते हैं। कर सकते हैं, आसान है। चलिए हाँ, मुझे पता है यह आज का लेक्चर उतना आसान नहीं है, आसान होगा भी कैसे? अब आप अपने टॉपिक्स के एकदम एप्लीकेशन पार्ट में चल रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका यूज है, तो दिक्कतें तो आएंगी ही, बिना दिक्कतें कहाँ कुछ होती हैं, कुछ होता है कभी? नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ देखिए, ना आपको एन वन दिया ना आपको एन टू दिया, आपको सब अपने से निकालना पड़ेगा, आपको खुद से सब निकालना पड़ेगा। देखिए मैं इसको कम्प्लीटली सॉल्व करता हूँ। क्या दिया है? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन का मतलब अल्फा हो गया, और कौन सा सीरीज है? बामर। बताइए पहला क्या होता है? लाइमन, एन वन की वैल्यू टू,
बामर, बामर के लिए N1 की वैल्यू बहुत अच्छा कितने 2। अब बताइए 2 पे आने के लिए जो लाइंस पॉसिबल हैं वो कहाँ से कहाँ आ सकती है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। पहली लाइन जो आ सकती है जिसको हम अल्फा लाइन कहते हैं वो कहाँ से आएगी, 3 से, यानी कि आपको N2 की वैल्यू भी मिल गई 3। ये चीज़ आपको निकालने आनी चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने वहाँ भी स्ट्रेस देकर आपको समझाया था और अभी भी कर रहा हूँ, अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप ज़रूरत पड़ने पर लेक्चर को 2 दिन बाद भी देख लें, लेकिन इसको क्लियर करके रखें। एक जब कंपटीशंस होते हैं ना, कंपटीशंस में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चले, क्योंकि अगर वो वैल्यू दे देता तो सब यूज कर लेगा। तो ये फॉर्मूला, वेव नंबर इक्वल टू R(z²)(1)(N1²) - (1)(N2²) फॉर्मूला यही होता है। तो क्या मैं वेव नंबर को 1/λ लिख सकता हूँ? अब आप सोच रहे होंगे क्यों लिखे, वो सिंपल सा है क्योंकि मुझसे क्या पूछा, देखिए वेवलेंथ पूछा है, हाँ वेवलेंथ पूछा है ना, तो मुझे उसको लैम्डा के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आर मैंने कहा अभी हम नहीं रखेंगे एकदम लास्ट मोमेंट पे। जेड, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 है, तो 1^² / N1 की वैल्यू देखिए कितना है 2 2^² - N2 की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 3^² इनको सॉल्व करके अगले लाइन पे लिखे हम, तो बताइए मुझे क्या मिल गया, 1/λ = यहाँ तो आर, 1^² 1 ही रहेगा, यानी यहाँ मुझे सिर्फ मिलेगा आर, 1/2^² यानी कि 4 और 3^² यानी कि 9, 1/4 - 1/9 यहाँ से मिल गया 1/λ = R। मैं अगर इनको सॉल्व करूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, 9^4 = 36 डिवाइड करें ये 9 हो जाएगा, इसको डिवाइड करें 4 हो जाएगा, यानी कि आपको क्या वैल्यू मिल गई, 1/λ = 9 - 4 यानी कि 5R/36 ये मिल जाएगा। ये वैल्यू लैम्डा की नहीं है, ये वैल्यू किसकी है, 1/λ की। मुझे लैम्डा चाहिए ना, मैं लैम्डा के लिए क्या करूँ, इसको ऊपर इसको नीचे, तो यही चार्ज यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 36/5R। बताइए ये बात बनेगी कि नहीं, बन जाएगी। तो चलिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, मुझे क्या मिल गया, λ = 36/5 × R, R की वैल्यू मैं रख लूँ कितना 109.677। आप अगर एग्जैक्ट रखें तो बताइए ये यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। हाँ, आज अभी तक तो आपने लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में देखा, एंगस्ट्रॉम में देखा, और किस में देखा आपने, मीटर में देखा, ऐसा यूनिट। अब ये सेंटीमीटर में क्यों मिला होगा, क्योंकि मैंने स्ट्रेस देके आपको बताया था कि आर की वैल्यू क्या होती है, 109.677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और मैंने कहा था कि आप इस सेंटीमीटर इनवर्स का बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपको परेशान करेगा। तो बताइए मुझे लैम्डा की वैल्यू जो भी यहाँ से सॉल्व करने के बाद मिलेगी वो वैल्यू किस में मिलेगी, सेंटीमीटर में। तो देखिए मैं एक बार सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 30 = 7.2। मैं अब इसको क्या करूँगा, क्योंकि देखिए लैम्डा की वैल्यू आ रही है ना, किस में आ रही है, सेंटीमीटर में। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपको पता है 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होती हैं, 10^9 नैनोमीटर होती हैं। अच्छा -9 नहीं, आप वो उल्टा बोल रहे हैं, वो होता है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होती है, तो 10^-9 मीटर मैंने उल्टा लिखा। देखिए 1 मीटर में कितना होती है, 10^9 नैनोमीटर। तो देखिए अगर मैं उस हिसाब से लिखूं तो बताइए 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है ना। चलिए तो ये तो वैल्यू सेम ही रहेगी 10^9। अगर मैं 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बताइए मुझे क्या करना होगा, 10^9 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 को मैं क्या लिख दूँ, 10^2 लिख दूँ, लिख सकता हूँ ना। तो ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, -2, यानी कि हो जाएगा 9 - 2, जिसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 10^7 नैनोमीटर। यानी कि मुझे एक चीज़ और मालूम चल गई जो कि मेरे काम की है, वो क्या है कि 1 सेंटीमीटर के जगह पे आप 10^7 नैनोमीटर लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर को नैनोमीटर बनाना है तो आप मल्टीप्लाई बाई 10^7 कर सकते हैं। तो आइए आप करते हैं, आप कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, मैं डायरेक्ट इसको कन्वर्ट ही करता हूँ। तो बताइए ये वैल्यू हो जाएगी 7.2 × 10^7, तो
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन अपॉन नीचे क्या बचा 109677। अब मैं इसको कैलकुलेटर यूज करूं तो मेरा काम हो जाना चाहिए, राइट। देखिए वन जीरो नाइन सिक्स ये डबल सेवन, इसकी ज़रूरत नहीं, पहले तो हमें नंबर लिखना है ना। चलिए लिखिए क्या है, 7.2 इंटू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये वैल्यू इतनी आ गई डिवाइडेड बाई 109677। आप इसको सॉल्व कर दें आपको वैल्यू मिलेगी 656 पॉइंट समथिंग, मैंने कट कर दिया, कोई नहीं, जो भी होगा आप इसको लिख लेंगे। और ये वैल्यू किस में आ गई अब आपकी, नैनोमीटर में। तो आज से एक बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने आपको बताया है, आप उसको ध्यान रखेंगे, वो क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^7 नैनोमीटर, यानी कि जहाँ भी आपको सेंटीमीटर मिल जाए आप वहाँ पर 10^7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू नैनोमीटर में। आप याद रखेंगे, इससे कैलकुलेशंस आपकी थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी। आइए आपके आंसर हम मैंने मैच करा दें, कितना आया था 656 पॉइंट समथिंग, तो होमवर्क आ गया। हाँ देखिए ये वैल्यू आएगी आपकी, अच्छा ये तो इसमें दिया गया ना, ठीक है। अगर आप इसको नैनोमीटर में बनाना चाहें तो देखिए इसको करके दिखाई देते हैं, अब क्या ये 6.565 इंटू 10^-5 ये सेंटीमीटर है ना, मैंने अभी आपको बताया अगर नैनोमीटर बनाना तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10^7, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.565 इंटू 10^-5 प्लस 7 सॉल्व करेंगे तो 10^2 आ जाएगा, 10^2 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू हो जाएगी 656.5 नैनोमीटर। यानी कि आप चाहे आंसर ऐसे लिख के छोड़ दें या फिर नैनोमीटर में, वो आपकी चॉइस है। ये वाला कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही हैं तो आप उस केस में आप उसको डायरेक्ट नैनोमीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दें, वो आसान होगा। जैसे भी करें कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। होमवर्क की बात आ गई ना, आइए होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। नो डाउट आज की वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई, इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स और नैनोमीटर में भी ये वैल्यू दी गई है, तो आप नैनोमीटर में ही कैलकुलेट करके देख लें, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। और कोई होमवर्क आज एक बार आप PDF देख लें, मेरे हिसाब से एक और होमवर्क इसमें होना चाहिए था, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो होमवर्क है आप उसको करेंगे, इसको टाइम देंगे, इस लेक्चर को आप ज़रूर टाइम दें, क्योंकि ये लेक्चर अब तक का चैप्टर 2 का सबसे डेंजरस लेक्चर है। थैंक यू सो मच।